mentioned herein, which means, देखो basically यहाँ यही कहा गया है कि सेक्शन 18, 19, 20 में जिन पर्शंस के बारे में बात किया गया है, अगर वो पर्शंस कोई स्टेटमेंट देते हैं बिफोर द कोर्ट तो वो एडमिशन माना जाएगा, और किन सर्कमस्टांसेस में, उन सर्कमस्टांसेस में जिन्हें मेंशन किया गया है हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 18, 19, 20 में, राइट। तो बेसिकली सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन करता है और सेक्शन 18, 19, 20 हमें ये बताता है कि हु कैन मेक एडमिशन, ठीक है। चलिए अब देखो, एडमिशन बेसिकली तीन बेसिस पे होता है, या हम कह सकते हैं कि एडमिशन के तीन टाइप्स हो सकते हैं। एक सेल्फ सर्विंग, दूसरा सेल्फ हार्मिंग, तीसरा नो कंक्लूजन, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई वैल्यूएबल कंक्लूजन नहीं निकलता। एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम एडमिशन के कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे विद प्रॉपर नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉज। एविडेंस लॉ के इस वीडियो सीरीज में हमने प्ली ऑफ एलिबाई के कंसेप्ट को समझ लिया है नोट्स के साथ, इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉज के थ्रू। आज हम एडमिशन के कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एडमिशन से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर एडमिशन का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर रहता है तो कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले या स्टेटमेंट देकर के पूछ ले, आप क्वेश्चंस को आसानी से बना ले जाओगे, राइट। चलिए देखो, एडमिशन के कंसेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को फिर से रिकॉल करना होगा। जैसे हम डील कर रहे हैं एविडेंस लॉ के चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 क्या है, ये बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक, राइट। अपने फर्स्ट वीडियो में जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस था, उसमें हमने ये जाना कि हमारा एविडेंस एक्ट कुल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कुल 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं। अच्छा, इन 11 चैप्टर्स और 167 सेक्शंस को अरेंज किया गया है हमारे एविडेंस एक्ट के 3 पार्ट्स में, राइट। तो अभी हम एविडेंस एक्ट के पार्ट 1 से डील कर रहे हैं। पार्ट 1 क्या है, बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है। राइट, और इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो हम चैप्टर 2 से डील कर रहे हैं, विच इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, सेक्शंस 5 से लेकर के 55 तक। देखो, ये जो चैप्टर 2 है वो आपके एविडेंस एक्ट का सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें कुल 50 सेक्शंस हैं। अकेले ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2, वो 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर 2 है जिसमें 50 सेक्शंस हैं, 50 सेक्शंस हैं, इन 50 सेक्शंस का अरेंजमेंट 8 कैटेगरीज में किया गया है, 8 कैटेगरीज में किया गया है, राइट। जैसे
देखो, तो इन 50 सेक्शंस का अरेंजमेंट जिन 8 कैटेगरीज में किया गया है वो है, सबसे पहला है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स सेक्शन 5 से लेकर के 16 तक, राइट। दूसरा क्या है? दूसरा है एडमिशन, स्वीकृति सेक्शन 17 से लेकर के 31 तक। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। तीसरा है स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। उन पर्सन्स का स्टेटमेंट जो अब विटनेस के तौर पे नहीं बुलाए जा सकते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन का जो कंसेप्ट है वो हम इसी कैटेगरी में समझते हैं, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, सेक्शन 32। चौथा कैटेगरी हमारा स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। चौंतीस से 38 तक, राइट। फिर हमारा हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, सेक्शन 39। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में होते हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में होते हैं, बुक्स के फॉर्म में होते हैं, या सीरीज ऑफ लेटर्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि वॉल्यूमिनस इन नेचर होते हैं, बल्कि इन नेचर होते हैं। तो उन स्टेटमेंट्स के कितने पार्ट को हमें इन द कोड प्रोड्यूस करना है ताकि जो समरी है, ताकि वो पार्ट जो फैक्ट एंड इशू को क्लियर कर रहा है उसे हम प्रोड्यूस कर सके, राइट। क्योंकि जब हमने 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस को समझा था तो हमने ये जाना कि हमारा एविडेंस एक्ट 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है। जैसे हमें केवल उन्हीं एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना है बिफोर द कोर्ट जो कि कन्फाइंड होंगे मैटर इन इशू से या फैक्ट इन इशू से, यानी हमें केवल उन्हीं एविडेंसेस को प्रोड्यूस करना है जो फैक्ट इन इशू को क्लियर करते हों। तो अगर हमारा जो एविडेंस है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में है और ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्वर्सेशन या डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में है जो वॉल्यूमिनस इन नेचर है, तो हम उन स्टेटमेंट्स के कितने पार्ट को प्रोड्यूस करें ताकि हमारा जो फैक्ट इन इशू है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें पूरा एविडेंसेस नहीं प्रोड्यूस करना है जो रिलेटेड नहीं है या जो इररिलेवेंट है, राइट। तो ये चीज़ है सेक्शन 39। फिर है हमारा जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट, सेक्शन 40 से लेकर के 44 तक। सातवां ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट, 45 से 51। और लास्ट है हमारा कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट,
कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, 52 से लेकर के 55 तक, ठीक है। तो ये जो 50 सेक्शंस हैं हमारे चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के, उनका अरेंजमेंट इन 8 कैटेगरीज में किया गया है। अब देखो, अगर इन 8 कैटेगरीज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो है कैटेगरी 1 व्हिच इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 6, 7, 8, सेक्शन 11, इन चारों सेक्शंस को हमने कवर कर लिया है विथ प्रॉपर नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉज, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से विच इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, आपको अदर सेक्शंस नहीं पढ़ने चाहिए। अगर आप पढ़ते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हमने कवर कर लिया। अब दूसरा कैटेगरी हमारा एडमिशन का, तो एडमिशन के जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 17 से लेकर के 31 तक, ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे। तीसरा कैटेगरी है स्टेटमेंट बाय पर्सन्स हु कैनॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव, हमने अभी समझ लिया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफजस्टिस व्हेन रेलेवेंट से क्वेश्चन आता है, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट ये भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है। तो इसमें से जो पांचवा कैटेगरी है विच इज हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, अगर हम स्किप कर देते हैं तो भी हमारा कोई लॉस नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एडमिशन देखो, एडमिशन को समझने से पहले हमें स्टेटमेंट क्या है उसे समझना होगा, क्योंकि एडमिशन स्टेटमेंट का स्पीसीज है, राइट। देखो, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कथन, इट इज समथिंग विच यू से ओरली और इन राइटिंग हैविंग मीनिंगफुल कंक्लूजन। स्टेटमेंट का मतलब है कोई भी चीज़ जो आप बोलते हो या इन राइटिंग देते हो बिफोर द कोर्ट, जिसका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकलता हो, वो स्टेटमेंट, राइट। नाउ व्हाट इज, नाउ व्हाट इज एडमिशन, एडमिशन क्या है, देखो इन शॉर्ट, या एडमिशन के अगर हम जनरल मीनिंग को समझें तो एडमिशन का मतलब है स्वीकृति, समथिंग विच यू एडमिट या फैक्ट विच यू एडमिट। जिस भी फैक्ट को, जिस भी पॉइंट को आप एडमिट करते हो खुद से वॉलंटरीली बिफोर द कोर्ट, वो आपका एडमिशन कहलाता है। तो एडमिशन मीन्स टू एडमिट समथिंग बिफोर द कोर्ट। तो एडमिशन क्या है, एडमिशन इज अ स्पीसीज ऑफ स्टेटमेंट विच यू एडमिट बिफोर कोर्ट और वॉन्ट्स द कोर्ट टू कंसीडर इट। जब आप किसी फैक्ट को एडमिट करते हो बिफोर द कोर्ट वॉलंटरीली स्वेच्छा से, या आप चाहते हो कि कोर्ट आपके इस पॉइंट को कंसीडर करे, तो वो कहलाता है एडमिशन, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट है, इफ दिस इज अ स्टेटमेंट, मान लो ये जो स्टेटमेंट है वो वॉल्यूमिनस इन नेचर है, मतलब विच इज वेरी मच बल्कि, राइट। आप चाहते हो कि इस स्टेटमेंट के इतने पार्ट को कोर्ट कंसीडर करे, या इस स्टेटमेंट के इतने पार्ट को आप एडमिट करते हो बिफोर द कोर्ट, यू एडमिट बिफोर द कोर्ट, तो ये क्या है, ये है आपका एडमिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एडमिशन इज
स्पीसीज ऑफ स्टेटमेंट, राइट। सो व्हाट इज एडमिशन? आप देखो, तो आप चाहो तो इन 8 कैटेगरीज को अपने नोटबुक के कॉर्नर में लिख सकते हो, ताकि आपको याद रहेगा कि ये जो सेक्शंस हैं वो इनसे रिलेटेड हैं। अब देखो, एडमिशन के जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 17 से लेकर के 31 तक। अच्छा, एडमिशन किस में आएगा? चैप्टर 2 में आएगा। चैप्टर 2 क्या है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। अब देखो, अगर हम और स्पेसिफिक जाएं तो एडमिशन यानी ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 17 से लेकर के 31 तक, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स में, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। पहला पार्ट एडमिशन का है, सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 23 के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं एडमिशन से। हमारे एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 23 के प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं एडमिशन से, राइट। और दूसरा पार्ट है हमारा कन्फेशन। सेक्शन 24 से लेकर के सेक्शन 31 तक के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं कन्फेशन से, ठीक है। तो कन्फेशन क्या है? इट इज आल्सो एन एडमिशन। ये भी क्या है? एडमिशन है। देखो, आपके पूरे एविडेंस एक्ट में कन्फेशन वर्ड यूज किया गया है, लेकिन कन्फेशन के मीनिंग को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। तो कन्फेशन इज नोवेयर डिफाइंड इन योर एविडेंस एक्ट, लेकिन एडमिशन को डिफाइन किया गया है आपके सेक्शन 17 में, ठीक। तो ये चीज ऑब्जर्व करके हम ये कह सकते हैं कि कन्फेशन क्या है? कन्फेशन इज ऑल्सो एन एडमिशन। कन्फेशन भी क्या है? कन्फेशन भी एडमिशन ही है। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडमिशन, राइट। लेकिन कन्फेशन को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि एडमिशन को सेक्शन 17 में क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। अब देखो, अब तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा स्टेटमेंट है, सपोज करो, राइट, तो ये है हमारा एडमिशन और ये है हमारा कन्फेशन। कैसे? देखो, जब आप किसी फैक्ट को एडमिट करोगे बिफोर द कोर्ट, तो वो जो फैक्ट्स होंगे वो स्टेटमेंट के ही फॉर्म में हो सकते हैं, और वो जो स्टेटमेंट होंगे वो या तो आप ओरल दोगे, या तो राइटिंग में दोगे, या तो किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दोगे, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में दोगे। तो ओवरऑल जब आप किसी फैक्ट को कंसीडर करते हो बिफोर द कोर्ट, किसी फैक्ट को एडमिट करते हो बिफोर द कोर्ट, तो वो स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये अगर आपका स्टेटमेंट है, आप चाहते हो कि स्टेटमेंट के इतने पार्ट को कोर्ट कंसीडर करे, तो ये है आपका एडमिशन। और जब हम और स्पेसिफिक जाते हैं, जब हम और टू द पॉइंट होते हैं, तो वो कहलाता है कन्फेशन, राइट। तो ये है हमारा कन्फेशन। देखो, कन्फेशन क्या है, आइए समझते हैं। देखो, व्हेन यू कंसीडर समथिंग, कन्फेशन इज आल्सो एन एडमिशन, राइट। व्हेन यू कंसीडर समथिंग और एडमिट अ फैक्ट बिफोर द कोर्ट, जब आप किसी
करते हो बिफोर द कोर्ट, या जब आप किसी सर्कमस्टांसेस को एडमिट करते हो बिफोर द कोर्ट इन सिविल केसेस, सिविल केसेस में, तो आपका वो एडमिटिंग द फैक्ट एडमिशन कहलाता है. यानी व्हेन यू कंसीडर समथिंग और एडमिट अ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस बिफोर द कोर्ट इन सिविल केसेस, सिविल केसेस में, तो वो कहलाएगा एडमिशन. लेकिन व्हेन यू कंसीडर समथिंग और एडमिट समथिंग और एडमिट एनी सर्कमस्टांसेस बिफोर द कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस, तो वो कहलाएगा कन्फेशन. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एडमिटिंग एनी फैक्ट इन सिविल केसेस नोन एज एडमिशन, और एडमिटिंग एनी फैक्ट और कॉन्सिडरिंग एनी फैक्ट बिफोर द कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस नोन एज कन्फेशन. क्या है? कन्फेशन. ठीक है, चलिए तो यहां तक हमने जाना कि एडमिशन और कन्फेशन दोनों क्या है? स्टेटमेंट है. राइट, आइए अब हम सेक्शन 17 को समझते हैं. चलिए, तो सेक्शन 17 क्या कहता है? देखो, सेक्शन 17 कहता है एंड एडमिशन इज अ स्टेटमेंट. एडमिशन क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट. ये क्या है? एक स्टेटमेंट है. और ये जो स्टेटमेंट है वो ओरल, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, तो एक बात क्लियर है, एडमिशन क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट. ये क्या है? एक स्टेटमेंट है. और ये जो स्टेटमेंट है वो ओरल, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, आगे कहता है विच सजेस्ट एन इन्फरेंस, जो हमें एक निष्कर्ष, जो हमें एक कंक्लूजन की ओर लेकर के जाता हो. तो एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है. और ये जो स्टेटमेंट है इसके कई सारे फॉर्म हो सकते हैं. ये ओरल हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो सकता है, जो हमें एक डेफिनेट कंक्लूजन तक लेकर के जाता हो. एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट. और ये जो कंक्लूजन है वो किसी फैक्ट इन इशू के रिगार्ड में हो. यानी ये जो हमारा इन्फरेंस है, ये जो हमारा कंक्लूजन है वो फैक्ट इन इशू को क्लियर करता हो. आगे कहता है कि एडमिशन मेड बाई एनी पर्सन्स अंडर सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड हियरिन इज रेलेवेंट. यानी आगे कहा गया है सेक्शन 17 के दूसरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि इन पर्सन्स के द्वारा या इन पर्सन्स का जो एडमिशन है वो एप्लीकेबल होगा बिफोर द कोर्ट. अच्छा, कौन कौन से पर्सन्स हैं जो एडमिशन कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट? तो सेक्शन 18, 19, 20 डील करता है उन पर्सन्स के स्टेटमेंट के बारे में जिनका हम एडमिशन ले सकते हैं. राइट, तो सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 कहता है एडमिशन. अभी देखना, अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो सेक्शन 17 आपको याद हो जाएगा. राइट, तो एडमिशन इज अ स्टेटमेंट. और ये जो स्टेटमेंट है वो किस फॉर्म में हो सकता है? तो इसके चार फॉर्म हो सकते हैं, ओरल, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स.
और ये जो स्टेटमेंट है वो एक इन्फरेंस सजेस्ट करता हो, यानी हमें एक कंक्लूजन की ओर लेकर के जाता हो, विच सजेस्ट एंड इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इश्यू. Which suggests an inference as to any fact in issue made by any person under circumstances mentioned herein, which means. देखो बेसिकली यहाँ यही कहा गया है कि सेक्शन 18, 19, 20 में जिन पर्सन्स के बारे में बात किया गया है, अगर वो पर्सन्स कोई स्टेटमेंट देते हैं बिफोर द कोर्ट तो वो एडमिशन माना जाएगा. और किन सर्कमस्टांसेस में, उन सर्कमस्टांसेस में जिन्हें मेंशन किया गया है हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 18, 19, 20, राइट. तो बेसिकली सेक्शन 17 एडमिशन को डिफाइन करता है और सेक्शन 18, 19, 20 हमें ये बताता है कि हु कैन मेक एडमिशन. ठीक है, चलिए अब देखो एडमिशन बेसिकली तीन बेसिस पे होता है, या हम कह सकते हैं कि एडमिशन के तीन टाइप्स हो सकते हैं. एक सेल्फ सर्विंग, दूसरा सेल्फ हार्मिंग, तीसरा नो कंक्लूजन, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई वैल्यूएबल कंक्लूजन नहीं निकलता हो. अच्छा, सेल्फ सर्विंग क्या है? जब एक पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है जो उसके इंटरेस्ट में होता है तो वो कहलाता है सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग. और अगर एक स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग है तो वो पर्सन जो कोई स्टेटमेंट दे रहा है अपने इंटरेस्ट के फेवर में, उसे एविडेंसेस प्रोड्यूस करने होंगे. अच्छा, दूसरा होता है सेल्फ हार्मिंग, ऐसा स्टेटमेंट जिसे आप प्रोड्यूस कर रहे हो बिफोर द कोर्ट जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है. तो अगर कोई स्टेटमेंट आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो क्या है? सेल्फ हार्मिंग है. तो उसके लिए आपको एविडेंसेस प्रोड्यूस नहीं करने होंगे, राइट. और तीसरा है नो कंक्लूजन. अब देखो ऐसे फैक्ट्स जो एडमिट किए जाते हैं बिफोर द कोर्ट इन सिविल केसेस एडमिशन कहलाएंगे. तो ऐसे फैक्ट्स जो एडमिट किए जाते हैं बिफोर द कोर्ट जो सेल्फ हार्मिंग होते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई फर्दर एविडेंसेस नहीं प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी पर्सन अपना बुरा नहीं चाहेगा या अपने अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, राइट. लेकिन अगर कोई पर्सन अपने फेवर में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो सेल्फ सर्विंग है और उसके लिए उसे एविडेंसेस प्रोड्यूस करने होंगे, राइट. अब देखो अब हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ एडमिशन. तो एडमिशन क्या है? बेसिकली एक स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है वो इन चारों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओरल, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो हमें एक कंक्लूजन की ओर लेकर के जाता हो अबाउट एनी फैक्ट इन इशू मेड बाय एनी पर्सन्स under section 18, 19, 20 and under circumstances mentioned under 18, 19, 20, right. तो ये है admission. चलिए अब हम essentials of admission को समझेंगे. essentials of admission, तो essentials of admission as per section
17. There are 4 essentials of admission. Admission के 4 essential elements होते हैं section 17 के तहत. पहला कहता है statement. Admission क्या है? एक statement है. और ये जो statement है वो oral, writing, documentary या electronic records के form में हो सकता है. पहला. दूसरा, statement should suggest any inference as to any fact in issue, right? Tisra, statement should be made by any of the persons mentioned under section 18, 19, 20. Last, statement should be made under circumstances mentioned under section 18, 19, 20. So these are the essentials of admission. देखो definition से ही essentials of admission हम draw कर सकते हैं. तो लिख लो essentials of admission. Essentials, statement either in oral, writing, documentary or electronic form. Statement should suggest inference as to any fact in issue. Tisra, statement should be made by any person mentioned under section 18, 19, 20. Or fourth one, statement should be made under circumstances mentioned under section 18, 19, 20. These are the essential elements of admission. देखो, now who can make admission? देखो, section 18, 19, 20 में कुल 7 kinds of persons के बारे में बात किया गया है जो admission करा सकते हैं before the court. Admission in context of statement, right? तो पहला कहता है, तो ये नोट कर लो. तो ये 7 persons जो हैं can make admission. पहला कहता है, और ये जो 7 persons हैं उन्हें mention किया गया है section 18, 19, 20 of Evidence Act में. पहला कहता है party to the proceedings. दूसरा, by an authorized agent to such party, किसी पार्टी के authorized agent के द्वारा. तीसरा, by party who is in representative character, एक पार्टी जो representative character में है. यानी अगर एक person अपनी पार्टी को represent कर रहा है तो वो भी admission कर सकता है. By person interested in subject matter of proceedings, एक person जो proceedings के subject matter में अपना interest रखता हो. Person having previous title, एक person जिसके पास previous title था regarding the case. Admission of third person or admission of arbitrator. तो these are the 7 persons.
who can make admission before the court in civil cases. Right? चलिए लिख लो. Who can make admission? Who can make admission? Section 18, 19, 20. These seven persons can make admission. These seven persons can make admission. Party to proceeding. दूसरा authorized agent to such party. By party who is in representative character. Person interested. Person interested in subject matter of proceeding. Person having previous title. Admission of third person. Or last term, admission of arbitrator. अब देखो, अब हमारे पास दो केसेस हैं, अमीनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और दूसरा हीराचंद कोठारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. तो पहला केस हमारे पास अमीनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. अब देखो इसमें कह रहा है एन अक्यूज्ड, एक अभियुक्त था जिसके ऊपर मर्डर के एलिगेशंस लगे थे, चार्जेस लगे थे. एन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर सस्टेन्ड इंजरीज, वो बुरी तरह से घायल हो गया था. ही टोल्ड रीजंस ऑफ इंजरीज टू द डॉक्टर, उसने उसे किस तरह चोट लगा, किस तरह वो घायल हुआ, ये सभी बातें उसने डॉक्टर को बताई. तो उसका ये जो एक्सप्लेनेशन है कि ही गॉट इंजर्ड बिकॉज ही वॉज मर्डरिंग समवन, क्योंकि वो दूसरे पर्सन को जान से मार रहा था, तो उस पर्सन ने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे इंजर्ड कर दिया. तो इसका ये जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन माना गया, कि वो एडमिट कर रहा है कि उसने एक पर्सन को मारा और उस पर्सन ने सेल्फ डिफेंस में इसे चोट पहुंचाया. राइट, तो ये चीज था. फिर एक केस हमारे पास हीराचंद कोठारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. इसमें ये कहा गया व्हेन अ पार्टी, जब एक पार्टी किसी थर्ड पर्सन को रेफर करती है कि वो थर्ड पर्सन कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे बिफोर द कोर्ट, वो थर्ड पर्सन मैटर इन डिस्प्यूट पर या फैक्ट इन इशू के रिगार्ड में अपना ओपिनियन दे, तो उस थर्ड पर्सन का जो स्टेटमेंट है हम तब रेलेवेंट मानेंगे
या उस थर्ड पर्सन का जो स्टेटमेंट है उसे हम एडमिशन तब कंसीडर करेंगे जब उसका स्टेटमेंट जिस पर्सन ने उसे रेफर किया है वो उसके अगेंस्ट हो, राइट? तो जो स्टेटमेंट वो थर्ड पर्सन देगा वो सेल्फ हार्मिंग होगा, किसके कॉन्टेक्स्ट में? उस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में जिसने उसे रेफर किया है, तभी वो एक वैलिड एडमिशन दे सकता है बिफोर द कोर्ट, राइट? तो ये चीज़ था। तो अगर एक पार्टी किसी थर्ड पर्सन को रेफर कर रही है अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन और टू हैव ओपिनियन ओवर फैक्ट इन इशू, तो अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है जो उस पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तभी एडमिशन माना जाएगा, तभी उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाएगा, ठीक है? तो ये दो केसेस हैं, लिख लो। अमीनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ये आपके बेरेक में दिया गया है, एन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर सस्टेन्ड इंजरीज he told reasons of injuries to the doctor said explanation was regarded as एडमिशन। और दूसरा हमारे पास केस है हीराचंद कोठारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये केस आपके बैरक में दिया है, आप वहां से इसके कंटेंट को नोट कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एडमिशन, जिसे मैंने आपको अपने पूरे एफर्ट्स के साथ समझाने की कोशिश करी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस किसी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी ग्रो। साथ ही अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट? चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।